जो लोग डिसलोकेट हो गए, जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं या जो घर नहीं जा पा रहे, उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था हम लोगों ने अपने रैन बसेरों में, तो 9 रैन बसेरों में हम लोगों ने इनके रहने की व्यवस्था की है, और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उनके रहने की व्यवस्था की है। और अभी कहीं से फ़ोन आया था कि कुछ और लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उनके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेंट भी, टेम्पोरेरी टेंट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटैंशली जल गए हैं, काफ़ी जल गए हैं, उनको तुरंत इस टाइम पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि उनका सब कुछ जल गया है। तो कल दोपहर से 25-25 हज़ार रुपये कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्सग्रेशन रिलीफ हम देना शुरू कर देंगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चालू कर दें। और वो बैलेंस जो उनका है, वो असेसमेंट हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर असेसमेंट करके उन लोगों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है, और फिर उनको बैलेंस चेक भी जल्द से जल्द हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत सारी एनजीओ सामने आ रही हैं, और जो भी एनजीओ और मदद करना चाहे, जो भी लोग मदद करना चाहें, हमारे पास कई फ़ोन आ रहे हैं। तो डीएम नॉर्थ ईस्ट इसका हेडक्वार्टर है सभी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के कामों का, तो डीएम नॉर्थ ईस्ट के यहाँ वो लोग संपर्क कर सकते हैं।